संगम नगरी में मकर संक्रांति के पावन पर्व पर सोमवार को सायं 6 बजे तक लगभग 20,90,000 लोगों ने संगम समेत गंगा के विभिन्न घाटों पर आस्था की डुबकी लगाई। श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा ना हो इसके दृष्टिगत सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने देर रात से ही मेला क्षेत्र में भ्रमणशील रहकर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराई। मेला प्रशासन के मुताबिक सुबह 10 बजे तक 8,70,000 तथा 12 बजे तक 12.5 लाख, 2 बजे तक 16,30,000 एवं 6 बजे तक 20,90,000 श्रद्धालुओं एवं स्नानार्थियों ने गंगा, यमुना एवं अंतःलीला सरस्वती के पवित्र संगम तट तथा गंगाजी के तट पर बनाए गए विभिन्न घाटों पर आस्था की डुबकी लगाई एवं पुण्य लाभ अर्जित किया। माघ मेला क्षेत्र में अपने स्वजनों से बिछड़ने वाले लोगों के लिए खोया पाया केंद्र से लगातार अनाउंस कर उनके स्वजनों से उन्हें मिलाया गया। श्रद्धालुओं को मेले में भटकना ना पड़े इसके लिए संगम जाने एवं वापस लौटने का मार्ग व अन्य मार्गों को प्रदर्शित करते हुए साइन बोर्ड रास्तों पर लगाए गए हैं। माघ मेला क्षेत्र में सुरक्षा की व्यवस्था चाक चौबंद रही। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, पुलिस आयुक्त रमित शर्मा, कुंभ मेलाधिकारी विजय किरण आनंद, पुलिस उप महानिरीक्षक माघ मेला डॉक्टर राजीव नारायण मिश्र, जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल, प्रभारी अधिकारी माघ मेला दयानंद प्रसाद, अपर जिला अधिकारी मेला विवेक चतुर्वेदी सहित अन्य वरिष्ठ पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी निरंतर भ्रमणशील रहकर व्यवस्थाओं का जायजा लेते रहे। इसके साथ ही साथ प्रयागराज मेला प्राधिकरण में बनाए गए ICCC केंद्र से CCTV कैमरों के माध्यम से की जा रही पूरे मेला क्षेत्र की व्यवस्था को भी देखा। मकर संक्रांति का स्नान पर्व सकुशल एवं निर्विघ्न रूप से संपन्न हुआ। मकर संक्रांति के स्नान के साथ संगम की रेती पर माघ मास पर्यंत चलने वाले माघ मेले का भी औपचारिक शुभारंभ भी हो गया। कुछ श्रद्धालुओं ने आज से ही कल्पवास भी प्रारंभ कर दिया।